हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य और आज के अपने इस वीडियो में हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, टीजीटी में पूछा जा चुका है, ठीक है, और ढेर सारे बायोलॉजिकल कंपटीशन में ये पूछा जाता है। तो आज हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे और मैंने आपको बता भी दिया है बहुत सारे वीडियो में कि हमारे न्यू बैच जो है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसकी स्टडी को? लिम्नोलॉजी कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, जो फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर का मतलब तो आपको पता ही है कि जैसे पॉन्ड का वाटर हो गया, लेक का वाटर हो गया, रिवर का वाटर हो गया, ये सब फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ना के बराबर हो, तो इसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर। अब देखिए, इसमें भी दो तरीके के वाटर होते हैं, एक रनिंग वाटर होता है और एक स्टैंडिंग वाटर। रनिंग वाटर का मतलब वाटर जो फ्लोट कर रहा है उसको हम रनिंग वाटर कहते हैं, और स्टैंडिंग वाटर का मतलब जो एकदम रुका हुआ पानी होता है उसको स्टैंडिंग वाटर कहते हैं। रनिंग वाटर की स्टडी को हम लोग कहते हैं लोटिक, रनिंग वाटर को हम लोग कहते हैं लोटिक इकोसिस्टम, और जो रुका हुआ पानी है उसको लेंटिक इकोसिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा भाई, एकदम अच्छा है और आ सकता है, ठीक है। ये दोनों टर्म, लेंटिक और लोटिक। लोटिक का मतलब समझिएगा ध्यान से, लोटिक मतलब लोटना। अब लोटना मतलब चल रहा है, ठीक है ना, चल रहा है, लोटना, लोटना से याद रख लीजिए। तो जो चलने वाला वाटर है मतलब रनिंग वाटर को लोटिक कहते हैं ये, या रोलो से याद रख लो, ठीक है, रोलो से याद रख लीजिए आप, रनिंग वाटर लोटिक वाटर है। ओके, चलिए अब हम इसको देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, एक लोटिक इकोसिस्टम के बारे में, जहाँ पे वाटर रनिंग वाटर उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, एक मैंने लोटिक इकोसिस्टम बनाया है, इसको ध्यान से समझिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आप अपने सारे डाउट अभी तुरंत क्लियर कर लीजिए। जैसे मैंने एक रिवर बना दिया है, सपोज करिए एक रिवर बना दिया है, नदी बना दी है, ठीक। तो जो किनारे किनारे के जोन, जो शोर होते हैं, नियर द शोर, जो किनारे के जोन होते हैं उसको हम लिटोरल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटोरल। तो किनारा इधर भी है, किनारा इधर भी है, तो किनारे के जोन को हम क्या कहते हैं, लिटोरल जोन। तो याद रख लीजिएगा कि जो लिटोरल जोन होते हैं, लिटोरल जोन जो होते हैं कि ना, नियर द शोर होते हैं, किधर होते हैं, नियर द शोर, नियर द शोर, या वी कैन से क्लोज टू शोर। नियर द शोर ना कह के आप क्लोज टू शोर करिए, क्लोज टू शोर, शोर मतलब किनारा, शोर मतलब किनारा, क्लोज टू शोर, ओके, क्लोज टू शोर। तो लिटोरल जोन किनारे का। अब जो ओपन एकदम सरफेस की बात कर रही हूँ, अब नदी में किनारे के बाद जो एकदम पूरा ओपन जोन दिखता है आपको दूर दूर तक, उसको लिमनेटिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमनेटिक जोन। लिमनेटिक जोन जो है वो अवे फ्रॉम द शोर, अवे फ्रॉम शोर। एक्चुअली अगर आपसे कभी कभी पूछता है कि किनारे के जो लिटोरल जोन है वहाँ पर रूटेड प्लांट्स पाए जाते हैं, रूटेड प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स वगैरह होते हैं आप देखते हैं कि किनारे पे होते हैं, और लिमनेटिक जोन अवे फ्रॉम द शोर, यहाँ पे वो फाइटोप्लैंकटन वगैरह होते हैं। कौन होते हैं? फाइटोप्लैंकटन्स, फाइटोनेक्टॉन्स, ये सब, ठीक। और उसके बाद थोड़ा सा जब उससे नीचे आएंगे, उसी नदी में जो सरफेस में हमने दो पार्ट डिवाइड कर दिया, एक तो किनारे, किनारे का जो जोन है उसको लिटोरल जोन कहेंगे, और उससे जो और ओपन वाटर दिख रहा है आपको दूर दूर तक उसको लिमनेटिक जोन कहेंगे। अब उससे थोड़ा सा नीचे आइए, अब अंदर आइए, पानी में अंदर आएंगे, तो पानी में अंदर तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, जहाँ तक लाइट पहुँच पाती है, ठीक, जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर पाती है उसको हम प्रोफंडल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल जोन। और जहाँ डार्क जोन होता है, जहाँ लाइट नहीं पहुँच पाती, उसको हम बेंथिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंथिक जोन। तो देखिए, जो बेंथिक जोन है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही है, नीचे आते चले जाएंगे, ये एफोटिक जोन होता है। एफोटिक जोन का मतलब जहाँ पे लाइट नहीं जा पा रही है। और जो प्रोफंडल जोन है, ये फोटिक जोन है, ठीक। क्या है? फोटिक जोन। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, और फोटिक जोन में कौन कौन आएगा, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि फोटिक जोन में कौन कौन आएगा भैया, तो आप कहोगे कि फोटिक जोन जहाँ पे लाइट, फोटिक का मतलब लाइट, फोटोन से याद रखना, फोटिक जोन जहाँ पे लाइट है उसमें ये सब आ जाएंगे। लिटोरल जोन भी आएगा, आप कहोगे लिटोरल जोन भी आएगा, लिमनेटिक जोन भी आएगा, ठीक है, लिमनेटिक जोन, और ये प्रोफंडल जोन भी आएगा।
तो ये सब आ जाएंगे फोटिक जोन में। और यहाँ पे जो ए फोटिक जोन है, बेंथिक जोन है, यहाँ पे लाइट नहीं आती है। तो जनरली ये जो है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये तो हो गया हमारा एक रनिंग वाटर इकोसिस्टम या लोटिक इकोसिस्टम के जोन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक टर्म और आप याद रखना, अगर मैं ये फ्रेश वाटर की बात कर रही हूँ तो जनरली वहाँ पे नीचे वाले जोन को, जो डार्क जोन होता है, उसको बेंथिक जोन कहते हैं। अगर मैं यही सी या ओशियन की बात करती, ठीक है, तो यहाँ पे जो डार्क जोन होता है इसको एबाइसल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एबाइसल जोन कहते हैं। तो एबाइसल जोन भी बेंथिक जोन के ही जैसा है। बस ये समझिए कि हम फ्रेश वाटर में इसको बेंथिक जोन कह देते हैं और सी वाटर में इसको जनरली हम एबाइसल जोन कह देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। अब हम आते हैं, ये तो रनिंग वाटर की बात। अब हम देखते हैं ये स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम के बारे में, जिसको हम लेंटिक इकोसिस्टम कहते हैं। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे पानी बिल्कुल भी, पानी में मूवमेंट नहीं हो रहा है, वाटर करंट नहीं है, एकदम पानी ठहरा हुआ पानी है, ठीक है। कंकर मत मारने लग जाइएगा आप लोग ठहरे पानी में। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रही हूँ, ये जो है एकदम ठहरा हुआ पानी है, स्टैंडिंग वाटर है। तो अब यहाँ पे तीन जोन में इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग तीन जोन में डिवाइड करते हैं। ये तीन जोन देखिए हमने डिवाइड कर दिया। सबसे ऊपर वाले जोन को एपीलिम्नियन कहते हैं, बीच वाले जोन को मेटालिम्नियन या थर्मोक्लाइन कहते हैं, और सबसे नीचे वाले जोन को हाइपोलिम्नियन कहते हैं। एकदम याद रखें, हाइपो मतलब नीचे। अब यहाँ पे वाटर की कंडीशन कैसी होती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न, कोल्ड क्लाइमेटिक मतलब ठंडी का मौसम है कि गर्मी का मौसम है। तो आपको याद रखना होगा कि अगर गर्मी का मौसम है, समर के दौरान यहाँ पे ही हॉट वाटर होता है एपीलिम्नियन में, और विंटर के दौरान यहाँ का वाटर कोल्ड वाटर होता है, क्योंकि भाई सबसे ऊपर है। तो गर्मी के दौरान यहाँ पे हॉट वाटर होता है, ठंडी के दौरान यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है। फिर हम सबसे नीचे देख लेते हैं हाइपोलिम्नियन, यहाँ पे समर के दौरान यहाँ पे ठंडा पानी होता है, गर्मी के दौरान क्योंकि ये सबसे नीचे है तो यहाँ तक सन आ नहीं पाएगा, तो यहाँ पे गर्मी के दौरान ठंडा पानी होता है और ठंडी के दौरान यहाँ पे गर्म पानी होता है, ठीक है। और मेटालिम्नियन या थर्मोक्लाइन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे हॉट और कोल्ड दोनों तरीके के वाटर की मिक्सिंग होती रहती है, ठीक है। अब कुछ भाई कुछ वाटर यहाँ से मिक्स होगा, कुछ यहाँ से मिक्स होगा, तो ये चीज़ आपको हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के बारे में समझना है। और मैं एक और बात बता दूं आपको, तो ये तो ठंडी और गर्मी की बात हो गई, ठीक, ठंडी और गर्मी की बात हो गई, दो मौसम। अब आपसे दो चीज़ और पूछा जाता है, ऑटम और स्प्रिंग में क्या होता है, इन झील में या फिर तालाब में ऑटम और स्प्रिंग में क्या होता है। एक्चुअली ऑटम और स्प्रिंग में क्या होता है कि जब, ध्यान से समझिएगा, ऑटम में होल वाटर की मिक्सिंग हो जाती है, मतलब देयर इज नो, अब अच्छा देखिए एक चीज़ आपसे पूछा जाता है, एकदम ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा जाता है स्ट्रेटिफिकेशन, एक टर्म है, देखिए मैं बता रही हूँ आप एकदम प्लीज़ एकदम अच्छे से समझेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन। अब देखिए स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब लेयरिंग, तो आपसे कहेगा भाई लेयरिंग बताइए, वाटर में लेयरिंग, वाटर की मतलब कोल्ड है कि हॉट है उसके हिसाब से लेयरिंग कहाँ पे पाई जाती है। तो आप कहोगे कि स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है हमारे लेंटिक इकोसिस्टम में। किसमें? लेंटिक इकोसिस्टम में स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट, अभी तुरंत नोट कर लीजिए, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब लेयरिंग। जैसे तीन लेयर है यहाँ पे, वाटर कोल्ड है कि हॉट है कि दोनों तरीके का है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। और स्ट्रेटिफिकेशन हमें कब देखने को मिलता है, तो आप कहते हो ये विंटर और समर में देखने को मिलता है। विंटर और समर में हम स्ट्रेटिफिकेशन देख पाते हैं, लेकिन अगर ये ऑटम और स्प्रिंग में यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि देखिए ऑटम में क्या होता है, ऑटम आता किसके पहले है, आप कहते हो गर्मी, ठीक है। ऑटम और विंटर में, कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि ऑटम और स्प्रिंग में क्या होता है, इसमें पूरे वाटर की मिक्सिंग होती रहती है, ठीक है। कोल्ड और हॉट वाटर मिक्स हो जाता है, तो सब जगह कोल्ड और हॉट वाटर की मिक्सिंग हो जाती है, इसको कहते हैं ओवरटर्न। क्या कहते हैं? ओवरटर्न, मतलब पूरा जो है ओवरटर्न हो जाता है, कब? ऑटम और स्प्रिंग में। तो ये बात आप याद रखना कि स्ट्रेटिफिकेशन केवल और केवल आपको विंटर और समर में देखने को मिलता है, लेकिन
ऑटम और स्प्रिंग में स्ट्रेटिफिकेशन नहीं, यहाँ पे ओवर टर्न देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए। ऑल द बेस्ट। अब अगले लेक्चर में हम लोग फिर कोई अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, ताकि आप अपने जीआईसी का तो बीत चुका है, आप अपने आश्रम पद्धति के लिए भी जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें।